एबी स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का। बॉलीवुड धमाल, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। खबर फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर से जुड़ी है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आई गई। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अब इसको लेकर जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद जहां एक तरफ उनके फैंस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं इसका ट्रेलर सामने आते ही फिल्म को लोगों के निशाने पर आ गई है। दरअसल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को सोशल मीडिया पर बॉयकाउट करने की मांग उठ रही है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर बॉयकाउट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। वहीं फिल्म को बॉयकाउट करने की मांग लाल सिंह चड्ढा को हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक हिंदी रीमेक है, इसमें कि टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म OTT पर मौजूद है। ऐसे में लोग फिल्म को कॉपी करने से नाराज हैं। इसके अलावा लोगों का आरोप है कि आमिर खान ने पहले कई ऐसे बयान दिए हैं जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इसके अलावा आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव के पुराने बयान का भी अब लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। आमिर खान की फिल्म का विरोध करते हुए ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि आमिर खान कहते हैं कि देश असहिष्णु हो गया है और वो भारत को छोड़ना चाहते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा कि दोस्तों, करीना कपूर खुद कहती है कि मैं अपनी फिल्म नहीं देखती हूँ, तो मत जाओ उनकी फिल्में देखने। इसके अलावा कई यूजर्स ने मीम्स शेयर करते हुए आमिर खान को ट्रोल किया है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत से उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनकी रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर सेलिब्स से लेकर उनके सभी फैंस उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर उनकी गायकी के करियर को लेकर, तो उन्होंने जी वैगन नाम के युगल गीत से इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कई गानों पर ब्राउन बॉयज के साथ काम किया है। वहीं गायक रैपर ने अपने ट्रैक सो हाई 2017 से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की। साल 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया था, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में 66वें स्थान पर था। बता दें कि गायक ने 15 मई को दी लास्ट राइड नाम की एक गीत जारी किया था, गीत जिसे उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया था। इसको पहले ही 10 मिलियन के करीब देखा जा चुका है। वहीं सो हाई जैसा उनका सॉन्ग जो काफ़ी पसंद किया जाता है, ये गाना 4 मिनट का है और लोगों के बीच ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यूट्यूब पर इस गाने की अगर बात की जाए तो 481 मिलियन से ज़्यादा बार इसे लोग देख चुके हैं। 2018 में रिलीज़ हुई PBX1 एल्बम का गाना भी उनका काफ़ी सुपरहिट रहा। PYG ब्रेड ने इसे बनाया था। बैट फैला को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था और हरज नागरा द्वारा इसे निर्मित किया गया था। यूट्यूब पर इस गाने को 91 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं उनके अगले सॉन्ग की बात की जाए तो सैम बीप उसी के नाम की एक एल्बम का हिस्सा है, जिसे साल 2019 में रिलीज किया गया था। इसमें गाने में उन्हें बोहेमिया और सिद्धू ने साथ में गाना गाया था। यूट्यूब पर इसे 394 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता बता रही है कि किस तरीके से उनकी मौत से उनके फैंस काफ़ी झटके में हैं, फैंस को कितना सदमा है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सेलिब्स की तरफ से भी प्रतिक्रियाएँ जारी है। इसमें कि सबसे पहले जो है अजय देवगन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं अगर बात की जाए पंजाबी सिंगर मिक्का की, तो मिक्का की ओर से भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं इसी कड़ी में उनके कई फैंस हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर उनकी जिस तरीके से हत्या हुई है उससे नाराज नजर आए। लगातार सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी सिंगिंग की तारीफ कर रहे हैं। किस तरीके से एक नौजवान सिंगर, किस तरीके से उनकी हत्या हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जांच जारी है।
कांस फिल्म फेस्टिवल को लेकर हैली शाह की ओर से एक बड़ी बात सामने आई है। हैली शाह ने इस फेस्ट से जुड़े कई खुलासे किए हैं। बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर ये अफवाह उड़ती रहती है कि इंडस्ट्री के सितारे कुछ नहीं समझते, बॉलीवुड के सितारे टीवी सितारों को छोटा समझते हैं। टीवी सितारे कई बार ये महसूस कर चुके हैं। इतना ही नहीं, टीवी सितारे खुद इस बात का दावा कर चुके हैं कि बॉलीवुड में उनके साथ अक्सर कई मौक़ों पर भेदभाव होता है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान टीवी सितारों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार कई टीवी सितारे कांस में पहुंचे थे। इस सितारों ने कांस में बॉलीवुड में भेदभाव की बात उजागर की। हीना और हैली शाह ने अब जाकर इस मुद्दे पर अपना दुख साझा किया है। इस साल 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर हैली शाह ने डेब्यू किया। टीवी एक्ट्रेस हैली शाह ने अक्सर वो अपने ग्लैमरस लुक की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर वो अपनी जलवे बिखेरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जब कांस के लिए तैयारी कर रही थी, उसी समय कई भारतीय डिजाइनर्स ने उनके साथ पक्षपात किया। जब वो निकल रही थी, तब भारतीय डिजाइनर्स का अजीब व्यवहार देखने को मिला, जिसके चलते वो इंडियन डिजाइनर से काफी मायूस है। शाहिद कपूर यूरोप से छुट्टियां मनाकर वापस लौटे हैं। अब उनका एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो शाहिद ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। शाहिद कपूर बॉलीवुड के फेमस एक्टरों में से एक हैं। वो हाल ही में दोस्तों के साथ यूरोप से छुट्टियां बिताकर वापस लौटे हैं। वो भले ही यूरोप से अपनी ऑल बॉयज ट्रिप से लौट आए हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अपनी छुट्टियों के दौरान की गई मस्ती को भूल नहीं पाए हैं। फिल्म जर्सी के अभिनेता ने रविवार रात को यूरोप ट्रिप का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्हें शाहरुख खान के गाने कोई मिल गया है पर एक शख्स के साथ बड़े मज़ेदार अंदाज में नाचते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में शाहिद काफ़ी कूल लग रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, मैं तो हिल गया। वहीं जर्सी फिल्म की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने इस पोस्ट पर कमेंट किया और वीडियो को यूरोप की सड़कों पर शूट किया गया। वीडियो में शाहिद के डांस को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि इस पर अब तक ईशान खट्टर, कुणाल खेमू और सुवेद लोहोया के साथ तक प्रतिक्रियाएं जाहिर हो चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस के लिए ट्रिप की मस्ती की भी कई तस्वीरें शेयर की। आप हमारी स्क्रीन पर भी शाहिद का वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो शाहरुख के गाने कोई मिल गया है पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से शाहिद कपूर नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पर, आप देख सकते हैं कितने खुश लग रहे हैं शाहिद। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली को जल्द ही करण जौहर लॉन्च कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम रूप से खबरें सामने आ रही हैं। सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। वो जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। सैफ की बेटी सारा अली खान पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है और लगातार प्रोजेक्ट्स में नजर आती रहती हैं। इसी बीच अब इब्राहिम की एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्टार किड्स को वैसे तो करण जौहर लॉन्च कर चुके हैं और अब बारी आई है इब्राहिम की। इब्राहिम को डेब्यू करने के लिए ब्रेक दिया जाएगा। करण जौहर अब तक आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे समेत कई स्टार किड्स को अपनी फिल्मों में लॉन्च कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर बीते साल आई साउथ की हिट फिल्म हृदयम का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं और इसी के साथ वो इब्राहिम को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। बॉलीवुड इब्राहिम इन दिनों करण जौहर के साथ फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए बतौर असिस्टेंट काम कर रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों ही जल्द किसी फिल्म में साथ काम करते हुए नजर आएंगे।
अनन्या पांडे, आलिया भट्ट और अब वरुण धवन के बाद बारी आई है इब्राहिम अली की। इब्राहिम अली को जल्द ही करण जौहर अपनी फिल्म में लॉन्च करेंगे और देखना दिलचस्प होगा क्या इंडस्ट्री में पैर रखने के बाद वो जनता का दिल जीत पाएंगे, क्या वो भी फैन अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बॉलीवुड धमाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।